अच्छा इधर बगल में आरिकपुर है, चलो घूम लेते हैं उधर भी। तो दोस्तों अभी हम निकले हैं हाईवे से और ये बगाही वाला रोड है। अभी लोढ़ियावा गांव क्रॉस करते हुए आरिकपुर की तरफ चल रहे हैं। आज के ब्लॉग में हम दिखाएंगे आरिकपुर का ब्लॉग वीडियो, मोटो ब्लॉग वीडियो। अब आरिकपुर जानना पड़ेगा हमें, ये रास्ता भाई साहब बड़ा खतरनाक है यार, पूरा टूटा फूटा पड़ा है। हे बाबू हरिमो कहाँ, ओ हरिमो यानी यार आरिकपुर कहाँ है, यही कहती है वह कहती है सीधा चले जा बस। ठीक है तो आरिकपुर पहुंचने वाले हैं और आरिकपुर का ब्लॉग वीडियो दिखाएंगे, गांव की स्थिति परिस्थिति हालचाल क्या है कैसा है वो दिखाएंगे। ये नाला मिलता है भाई, आरिकपुर और लोढ़ियावा के बीच का बॉर्डर है नाला। हे बाबू साइकिल सीखता हो का यार, चला लिए थो चप्पल तो पहन लियो, ये आरिकपुर है। ठीक है मुझे राय जा लड़ते हो। तो दोस्तों अभी पहुँचे आरिकपुर। आरिकपुर में दो गलियां हैं, एक गली है दाहिने साइड, तो दाहिने साइड घूम लेते हैं पहले। भैया गांव का जो इंटरलॉकिंग लगा है जहाँ से प्रारंभ हुआ है वही नहीं दुरुस्त है, तो आगे क्या होगा भैया। इस साइड में भी उसका वाटर वाला काम चल रखा है पाइपलाइन का। यहाँ का जो इंटरलॉकिंग है दुरुस्त है, स्टार्टिंग में दिखा था थोड़ा सा टूटा फूटा है ना। तो भैया यहाँ पे भी कहीं कहीं छोटी मोटी जो खड़ंजे हैं, आगे रास्ता लेने का मतलब किधर का गा, इधर का है कि उधर का गा है, सड़क पर का हाईवे पर का रास्ता है क्या इधर से कतकनपुर होके गया है का। अच्छा मुझसे अपने जैसे एरिया में जगदीशपुर के क्षेत्र में जैसे गांव है तो उनके एक ब्लॉग वीडियो बनाई थे कि ये दिखाई थे कि हमें जैसे क्षेत्र के सड़क के गली मोहल्ला कस है, तो ये चीज़ जानना चाहिए थे आपके गांव में मतलब सब खड़ंजा ठीक है बढ़िया है। अरे आप ज़्यादा हमसे रहा तो हम तो आ जाऊ भाई बहने, हम तो देखा ही ना आवा है जाने आवा है, यही लिए तो हम रास्ता पूछा आपसे जैसे कि। अच्छा कौन रास्ता हुआ गांव घुमा के निकलिया हुआ है। हाँ, तो बस ठीक है चलो ठीक है देख लीजिए। तो भैया ये देखो अभी हम यहाँ से गांव का चक्कर मार लेते हैं राउंड। भैया खड़िंजे भैया देखो गांव माता जी विराजमान है, कहा हो ठीक हो। ये लो गांव का बॉर्डर तो बड़ा अच्छा है भाई, यहाँ इंटरलॉकिंग पूरा जमा के रखे हैं है ना। इधर से तो निकले थे यार, गांव के जो चारों तरफ का रास्ता है वो तो प्रॉपर इंटरलॉकिंग वाला है, बढ़िया रास्ता है, बस यहीं के आगे जाना है देखना हमें। ये तो आगे बंद हो गया, अब खड़िंजा मिल गया तो आगे चली देते हैं, पता नहीं कहाँ गया हुआ है खड़िंजा, गांव का चक्कर लगवा रहा है या ऐसे ही है। फिलहाल ये खड़िंजा आगे मिल जाता है, देखो दिखावे वाले साइड पे पूरा इंटरलॉकिंग है लेकिन ये अंदर साइड का रास्ता है नाला है, उसके बगल का ये खड़िंजा है। यहाँ के रोडों की स्थिति तो भाई साहब वैसी है सदियों पुरानी। दादा इधर से बाहर का रास्ता, बाहर का रास्ता है बड़ी सकरी सकरी गली है, खड़िंजा भी नहीं समझ में आता किधर है भैया, घास से ढका हुआ है आधा अधूरा। ये देखो तो ये पुरानी सड़कें हैं,
तारिकपुरी है या वो वाला है, वो कहती वाला है नहीं, मेन आरिकपुर यही है। और वही पार कौन गाँव? अच्छा नटौन का डियर है। हाँ हाँ, जो भैंस वैंस पाला थी। अच्छा, कुछ नहीं, बस ऐसे गांव के क्षेत्रन के वीडियो बनाए थे, दिखाए थे कौन गांव के का स्थिति है, गली मोहल्ला नाला नली नरिया, तो ये देखत रही ने, या इधर से उधर ले तो दुरुस्त है, बीचे के इधर नहीं बना है, यही देखत रही, बस दिखावा चाहिए थे। गांव के सड़क कस यहाँ हाल चाल ठीक है, गांव के सड़क गली मोहल्ला वही दिखावा, इधर तो खराब है सब, इधर से बना है इधर पूरा खराब है, पुराने है। हमें लगा था खड़िंजो बहुत पुराने हुए, कई साल पुराने हुए? 15 साल लगभग आए खड़िंजा, पता नहीं लगा था, ऊपर घास जामी है पूरा, थोड़ा थोड़ा तो दिखाता है। और मतलब जैसे सरकारी सुविधा सब मिला था यहाँ? नहीं ठीक है, हम ऐसे पूछते हैं का, जैसे सरकारी बहुत सारी चीज़ें हैं मिलत सबका, राशन वासन? अच्छा, ये लाइटियाँ वाइटियाँ जलत ही नहीं जलती बन जाए ना, मतलब गांव में इधर के लाइटें लगी है ना, उजाला तो रहा थे, बस यही सब जा रही थी, देखी थी कहाँ कौन समस्या है, देखी थी बस, दिखाई थे। और दादी दिखा दी ना, खुदे भैया बनवा दी हैं, क्या बताइए, हम तो दिखा दी ना, और कौन इधर के दिक्कत हो तो बताओ। हाँ तो अभी इस गांव का ब्लॉग वीडियो दिखा रहे थे, और इसमें आधा गांव का रास्ता है, बढ़िया है, आधा अधूरा है। आज छुट्टी है का? काहे छुट्टी आज? पता है ना छुट्टी वहाँ है, स्कूल नहीं क्यों? पेपर चलता का तो कई बजे से कई बजे ले आए स्कूल? 8 से 12। 8 से 12 कौन स्कूल में पढ़ा था? हाँ कहाँ? श्री राधा कृष्ण कहाँ पे है? ये जो प्राइमरी वाला है? नहीं। अच्छा जो उधर मंदिर के बगल में है, बगिया में, बगिया में ना सब है, पढ़ा था अलग अलग। तुम कौन पढ़ा था? तुम वाए, वाए अलग पढ़ा तुम आकांक्षा में पढ़ा था, पढ़ाई बढ़िया हुआ थे कौन क्लास में हो? कंप्यूटर नहीं पढ़ा जाते क्यों होगा? क्यों कंप्यूटर नहीं पढ़ा जाते? तीन माह हो गए ना, कम से कम पचे पास हो जाओ, पचवा तो चौथा पचवा ना, तो स्कूल नहीं पढ़ा जाते कौन क्लास में? दसवें माह, फिर तो कंप्यूटर के तो बारे में थोड़ा बहुत पते वक्त चाहिए। नहीं पता कंप्यूटर के फुल फॉर्म पता है? अच्छा अपने जैसे अब एक चीज़ पूछ ली, अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या है? मुख्यमंत्री क्या है? अच्छा देश के प्रधानमंत्री यही यही है? खड़े के बता दी यार, क्या दिक्कत है यार दोस्त? तुम भाई बता दिया यार, अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या है? हाँ तो बुलडोजर बाबा भी कह सकते हो, है ना? कत्ता आसान है यार, पते नहीं ना तुम्हें, एक ब्लॉग वीडियो बनाए थे देखो तो, ही हो तो है ना, तो ऐसे गांव घूम के हम दिखाओ थे इनका हाल चाल है, तो ऐसे तुम सब आ जाओ यूट्यूब पर देख लियो। मोबाइल चलाओ तो, क्यों नहीं चलो तो? चलो वो ना करो जब तक पढ़े हो, ज़रूरी नहीं ना मोबाइल चलाओ, पढ़ाई जरूरी है क्या भैया? पहले पढ़ लियो फिर मोबाइल। और सब बढ़िया? कुछ नहीं, से गांव के एरिया घूमे टहे थे, गांव दिखाए थे, का हाल चाल है, गली मोहल्ला ठीक ठाक है या खराब है, तो ये चीज़ देखी दिखाई थी इसे यूट्यूब चैनल पर। तो आपके गांव का हाल चाल बढ़िया है? सब ठीक है, सब कुछ हमें लगा था अच्छा है, ऐसे रोड वोड बढ़िया बना है पूरा, बस इधर थोड़ा सा अधूरा है इधर उल्टा साइड वाला, बने ना हमें लगा था बन जाए भाई, दुरुस्त हुए धीरे धीरे, टाइम लगे, नहीं बरसात हो गया रुका रहा। हाँ बारिश हो जाता रुक जाता, सही है।
ठीक है भाई, धन्यवाद। तुम बता नहीं पा रहा यार, अब तो बता दो ना। तो दोस्तों अभी हम आरिकपुर से निकले हैं और ब्लॉग वीडियो दिखाते हुए यहाँ पे थोड़ा से नटों का डेरा कहते हैं वो पड़ जाता है, वो इसी साइड में है, बाएं साइड में वो दिखा देते हैं। यहाँ पे मंदिर भी है आरिकपुर में, ये नटों का डेरा बोलते हैं, नटवन का डेरा कहा जाता है भैया। तो यहाँ पे देख सकते हैं ज़्यादा भैंस और भैंसा देखने को मिलेगा। भाई इधर तो दुरुस्त है आरिकपुर और इधर नटवन का डेरा, दोनों गांव का जो एरिया है पूरा दुरुस्त है, प्रॉपर लाइटिंग है, प्रॉपर सड़क है। अब छोटा मोटा अधूरा काम तो रहता ही है, बट वो भी हो जाएगा। अच्छा लगा यही गांव देख के कि हाँ यहाँ की स्थिति बेस्ट है, अच्छी है, दुरुस्त है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप लोग कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, दबा के सब्सक्राइब कीजिए चैनल। जय हिंद, जय भारत।